ये है ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली चुंबक। अगर ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी के पास से गुजरा तो ये आपको खाएगा नहीं, बल्कि आपके शरीर में मौजूद सभी एटम्स को धूल में बदल दे। जानेंगे कि क्या हमें इनसे डरना चाहिए, क्या होगा अगर एक मैग्नेटार हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाए, या फिर एक क्वेजार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में आ जाए। हमारी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड की गहराई में गामा रे बस्ट हुआ, जिसमें सिर्फ आधी सेकंड में ही इतनी एनर्जी निकली जितनी हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं दे पाएगा। मतलब हमारा सूर्य 10 बिलियन सालों में जितनी एनर्जी देगा उससे ज्यादा एनर्जी थी उस आधी सेकंड के लिए आए हुए गामा रे बस्ट में। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने गामा रे बस्ट के इंफ्रारेड सिग्नल को डिटेक्ट किया, जिसको आंखों से तो नहीं देखा जा सकता था लेकिन उसकी हीट को महसूस किया जा सकता था। उस सिग्नल की जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वो सिग्नल एक मैग्नेटार से आया था जिसको मानव जाति ने पहली बार देखा था, और इतनी एनर्जी एक किलोनोवा विस्फोट के होने से निकली थी जिसको पृथ्वी पर 22 मई 2020 को डिटेक्ट किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सूर्य से 5 गुना बड़ा तारा जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में होता है तब तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उसमें एक जोरदार विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा बोला जाता है। उस शक्तिशाली विस्फोट के बाद अंतरिक्ष में हॉट गैसों के बादल बन जाते हैं जिसे नेबुला बोला जाता है। अगर तारा हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा विशाल होता है तो वो मरने के बाद एक ब्लैक होल में बदल जाता है, लेकिन अगर तारा इतना विशाल नहीं होता कि वो ब्लैक होल बन पाए तो वो मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। वेल, हम बात कर रहे थे किलोनोवा विस्फोट की। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में मर्ज होते हैं, या फिर एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार आपस में मर्ज होते हैं, तब जो विस्फोट होता है उसे किलोनोवा बोला जाता है, जिसमें पल भर में ही बहुत 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 ज्यादा एनर्जी निकलती है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में मर्ज होते हैं तब उनसे एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, लेकिन अगर दोनों न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्ज होने के बाद उनका मास इतना नहीं हो पाता कि वो एक ब्लैक होल बन पाए तो वे मर्ज होने के बाद एक बड़ा न्यूट्रॉन स्टार बनकर रह जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जो सिग्नल डिटेक्ट किया था वो एक मैग्नेटार के जन्म का सिग्नल था जो कि एक किलोनोवा विस्फोट से जन्मा था। मैग्नेटार न्यूट्रॉन स्टार की एक एग्जॉटिक फॉर्म होती है जिसका अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड ही इसको ब्रह्मांड का एक खतरनाक ऑब्जेक्ट बनाता है। मैग्नेटार को ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल मैग्नेट भी बोला जा सकता है। अगर इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चीज आती है तो वो पल भर में ही गायब हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एक मैग्नेटार चांद और पृथ्वी के बीच आ गया तो उसकी हाई ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर सारा डेटा इरेज हो जाएगा। आपके फोन का डेटा, क्रेडिट कार्ड का डेटा, यहाँ तक कि इंटरनेट पर मौजूद सारा डेटा। मैग्नेटार पृथ्वी के पास जितना आता जाएगा तो इसका कहर उतना ही बढ़ता जाएगा। ये पल भर में ही पृथ्वी पर सब कुछ गायब कर देगा। यही नहीं, एक मैग्नेटार पृथ्वी को अपने हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंतरिक्ष की गहराई में बहुत दूर से भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई मैग्नेटार हमारी पृथ्वी से 50,000 प्रकाश वर्ष दूर है वहाँ से भी ये पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि जब इस तारे की क्रस्ट क्रैक होती है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलकर स्पेस में फैल जाता है। इस घटना को स्टार क्वैक्स बोलते हैं। अगर 50,000 प्रकाश वर्ष दूर तारे में स्टार क्वैक्स होता है तो वो इतनी दूरी से भी पृथ्वी पर जो क्षति पहुंचाएगा उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार क्वैक्स की वजह से निकले रेडिएशन से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस हो जाएगा और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर आयनाइज्ड हो जाएगा। 2004 में पृथ्वी पर गामा रेडिएशन को डिटेक्ट किया गया था जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर किसी मैग्नेटार से आया था। अगर हमारी पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद मैग्नेटार में स्टार क्वैक्स होता है तो पृथ्वी पर स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। वो 10,000 प्रकाश वर्ष दूर से भी हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को खत्म कर देगा और पृथ्वी पर सब कुछ जला देगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हमसे 9,000 प्रकाश वर्ष दूर कैरिना कॉन्स्टिलेशन में एक मैग्नेटार मौजूद है और एक दूसरा मैग्नेटार हमसे 18,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इतनी दूर से ये अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनमें स्टार क्वैक्स हुआ तो ये पृथ्वी पर सब कुछ तबाह कर देंगे। वैसे एक अच्छी बात ये है कि मैग्नेटार की लाइफ बहुत छोटी होती है, 10,000 सालों की। 10,000 साल बाद एक मैग्नेटार सिंपल न्यूट्रॉन स्टार बनकर रह जाता है।
जैसा कि हम जान चुके हैं कि न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का ही छोटा भाई बंधु है, जो कि ब्लैक होल की ही तरह तबाही मचा सकता है। न्यूट्रॉन स्टार का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब वो एक मैग्नेटार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जो कि धीरे धीरे गैलेक्सी के तारों को खाता जा रहा है और अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हमसे इतना दूर है कि हमारे सोलर सिस्टम को इससे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। यहाँ तक कि हमारा सूर्य अपना पूरा जीवन काल खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी ये इस सुपर मैसिव ब्लैक होल की चपेट में नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी ये सुपर मैसिव ब्लैक होल इतनी दूर से भी पृथ्वी को तबाह करने की काबिलियत रखता है। अगर किसी दिन सुपर मैसिव ब्लैक होल ने किसी मैग्नेटार को अपनी चपेट में लिया, तो उस कोलिजन में निकलने वाली एनर्जी मिल्की वे गैलेक्सी में दूर दूर प्लैनेट्स पर मौजूद जीवन को भी खत्म कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मैग्नेटार ब्रह्मांड का एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है। जब ये ब्लैक होल से अपनी लड़ाई लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर जीत ब्लैक होल की ही होगी और ये ब्लैक होल में समा जाएगा। लेकिन अगर ऐसी घटना घटेगी तो यूनिवर्स में बड़ी बड़ी ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हो जाएंगी, जो कि स्पेस टाइम के कर्वेचर को ही डिस्टर्ब कर देंगी और इसका असर पृथ्वी पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी घटना का घट पाना बहुत ही रेयर है, क्योंकि मैग्नेटार की लाइफ बहुत छोटी होती है और हर एक न्यूट्रॉन स्टार मैग्नेटार नहीं होता, तो ऐसे इवेंट से तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड का जो सबसे खतरनाक इवेंट है वो है क्वेसार। क्वेसार्स ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं। आप क्वेसार की ताकत का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसे हजारों गैलेक्सियों के बराबर एक अकेला क्वेसार एनर्जी रिलीज करता है। हमारा सूर्य 10 अरब सालों में जितनी ऊर्जा देता है, वैसे ना जाने कितने ही अनगिनत तारों को एक क्वेसार पल भर में ही डकार जाता है। पृथ्वी से 25 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक क्वेसार मौजूद है, जो कि अपने आकार को बढ़ाता जा रहा है और असंख्य तारों को डकारता जा रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्वेसार आखिर होते क्या हैं। क्वेसार गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद वो क्षेत्र होता है जिसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि फिजिक्स के नियमों के अनुसार इसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्वेसार के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जिसके चारों ओर गैस की एक डिस्क होती है। जब सुपर मैसिव ब्लैक होल बाहरी ऑब्जेक्ट्स या डिस्क में मौजूद गैस को निगलता है, तो ये भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो इसमें एक विशाल स्ट्रीम जेट बन जाता है, जो कि हजारों प्रकाश वर्ष में फैला होता है। हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में जितनी ऊर्जा देता है, उससे भी 1 अरब गुना ऊर्जा एक क्वेसार सिर्फ एक पल में ही रिलीज कर देता है। हमसे 25 अरब प्रकाश वर्ष दूर J2157-3602 नामक क्वेसार सूर्य से 7000 खरब गुना ज्यादा चमकीला है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से ये 1,00,000 गुना ज्यादा चमकीला है। ये ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक है। लेकिन इससे भी बड़ा क्वेसार मौजूद है हमसे 10.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर, जिसका नाम है TON-618। इस अकेले क्वेसार का मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के 70% तारों से भी ज्यादा है और इसकी चमक इतनी ज्यादा है कि चमक की वजह से टेलीस्कोप से इसकी गैलेक्सी को भी नहीं देखा जा सकता। इस क्वेसार का मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी 16,500 गुना ज्यादा है। चलिए अब जानते हैं कि क्या होगा अगर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए एक क्वेसार बन जाए। वेल, अगर ऐसा होगा तो हमारी आकाशगंगा में इतनी चमक बढ़ जाएगी कि इसमें किसी भी तारे को देख पाना मुश्किल होगा। जिस प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश में हमें तारे दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में क्वेसार के होने से गैलेक्सी में तारों को देख पाना संभव नहीं होगा। मिल्की वे गैलेक्सी में चमक बढ़ जाने की वजह से हमारे सूर्य की चमक बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। क्वेसार की चमक के सामने हमारा सूर्य ऐसा लगेगा जैसे क्रिकेट स्टेडियम में जलती हुई लाइटों के बीच एक दीपक रख दिया जाए। लेकिन एक क्वेसार गैलेक्सी में दूर दूर तक प्लैनेट्स पर मौजूद जीवन को तबाह कर देगा। अगर हम पृथ्वी की ही बात करें तो क्वेसार के होने से रेडिएशन की वजह से पृथ्वी पल भर में एक बंजर ग्रह में बदल जाएगी। पल भर में इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे, पृथ्वी तेज रोशनी के बीच एक वीरान ग्रह बनके रह जाएगी। वेलम क्वेसार्स की पावर के बारे में तो जान चुके हैं कि क्वेसार ब्रह्मांड का कितना पावरफुल ऑब्जेक्ट है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्वेसार बनते कैसे हैं। एक क्वेसार तब बनता है जब गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर इतना मटेरियल मौजूद हो कि उसके चारों ओर एक विशाल डिस्क बन जाए जिससे वो एनर्जी लेता रहे।
क्वेजार बनने का दूसरा कारण ये भी है कि जब दो सुपर मैसिव ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं, तो उससे भी क्वेजार का जन्म होता है। लेकिन दो सुपर मैसिव ब्लैक होल का कोलिजन तभी संभव हो सकता है जब दो आकाशगंगाएं आपस में टकरा जाएं, क्योंकि एक आकाशगंगा के सेंटर में एक ही सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल कभी क्वेजार बन पाएगा? तो जवाब है हाँ, लेकिन ऐसा होने में अभी 4.5 बिलियन सालों का वक्त लगेगा। तब तक तो शायद पृथ्वी से जीवन भी खत्म हो चुका होगा। हमसे 2.5 प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी मौजूद है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 4.5 बिलियन साल बाद टकरा जाएगी और दोनों गैलेक्सियों की टक्कर के बाद एक नई और बड़ी गैलेक्सी का निर्माण होगा जिसका नाम होगा मिल्क ड्रोमेडा। जब ये दोनों गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगी, तब दोनों गैलेक्सियों के सुपर मैसिव ब्लैक होल आपस में कोलाइड होकर मर्ज हो जाएंगे, तब जन्म होगा एक क्वेजार का। दोस्तों, जिस ऊर्जा को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पृथ्वी पर फील करते हैं, वो ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए हमें कुदरत से मिली ऊर्जा को इस्तेमाल करते रहना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।